दोस्तों ये है होंडा SP125 और आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में पूरा विस्तार से बात करने वाले हैं कि इस समय इसका प्राइस क्या चल रहा है, कितने में ये बाइक आपको कंप्लीट मिल जाएगी, मतलब कागज वगैरह इंश्योरेंस वगैरह सब कंप्लीट करने के बाद कितने में ये बाइक आपको पड़ जाएगी और इसमें ऐसे क्या खास फीचर हैं जो कि अदर 125cc सेगमेंट की बाइकों से इसको बेहतर बनाते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हमें लेना है बाइक 125cc की तो बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास होते हैं, सारी कंपनी जितनी भी अलग अलग कंपनियाँ हैं सबके पास जो है 125cc की काफ़ी बाइकें हैं, तो फिर हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर हमारा भरोसा है होंडा की SP पे और इससे पहले जो चलती थी CB Shine SP125 उसे रिप्लेस करके SP125 यहाँ पे होंडा वालों ने लॉन्च किया है और ये काफ़ी स्टनिंग लुक के साथ है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये डेली कम्यूटर भी लगती है प्लस ये स्पोर्ट बाइक का भी फील देती है। तो आज की इस वीडियो में पूरा विस्तार से जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है GRD और आप देख रहे हैं राइट टू नो। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छे लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। एक छोटा सा इंट्रो है, उसे आप देख लीजिए, इसके बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो कलर आप देख रहे हैं ये मेटेलिक रेड कलर है और इसके अलावा तीन कलर और भी आते हैं, जिसमें आपको स्ट्राइकिंग ग्रीन, सायरन ब्लू, मेटेलिक ग्रे, तीन कलर और भी आते हैं, मतलब टोटल चार कलर अभी तक कंपनी ने हमें दिए हैं और सारे कलर्स आपको जो है इस चैनल पे मिल जाएंगे। फ्रंट से देखिए, यहाँ पे आपको डिस्क मिलता है जो कि 240mm 240mm का है। अगर आप डिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप ड्रम मॉडल भी ले सकते हैं, वहाँ पे डिस्क हटा दिया जाएगा, प्राइस भी थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो ये आप पे डिपेंड करता है। जो फ्रंट का हमें टायर मिलता है ये 80x100 का मिलता है जो कि ट्यूबलेस टायर है, जो कि पहले भी हमें ट्यूबलेस टायर ही मिलता था तो अभी भी ट्यूबलेस टायर मिलता है। जो फ्रंट का इसका सस्पेंशन है वो आपको टेलीस्कोपिक मिल जाता है और खास चीज़ ये है कि इसका जो फ्रंट का हेडलैम्प है ये देखिए फुली LED आपको मिलता है, काफ़ी ब्राइट हेडलैम्प है और 125cc के हिसाब से हमें जो है काफ़ी अपडेट देखने को मिल रहा है, क्योंकि अदर 125cc की जो बाइक्स हैं उनमें अभी इतना अपडेट जो है नहीं देखने को मिल रहा है जो कि SP125 में मिल रहा है। और ये काफ़ी स्टनिंग लुक के साथ आती है और जो कलर आप देख रहे हैं ये, इसके बारे में आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा ये कलर आपको कैसा लग रहा है, उस बाइक का लुक कैसा लग रहा है। यहाँ पे देखिए, लेफ्ट हैंडल बार पे आपको पासिंग स्विच और जो लो बीम हाई बीम स्विच है वो सब एक में इंक्लूड करके एक स्विच में आपको मिलता है और यहाँ पे लेफ्ट हैंडल बार पे आपको जो है जो साइड इंडिकेटर स्विच है प्लस हॉर्न है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसका मीटर कंसोल देखिए आप, जो कि फुली डिजिटल है और इसके बारे में मैं क्या बोलूँ, मतलब बड़ा मज़ा आता है इसके बारे में बता के, क्योंकि देखिए 125cc की बाइक है लेकिन इसमें आपको गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर तक प्रोवाइड किया गया है मीटर कंसोल में, तो कोई शिकायत नहीं है भाई उसको लेके, क्योंकि गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, साथ साथ आपको वॉच भी प्रोवाइड करी जाती है, मतलब आप अपना टाइम भी सेट कर पाएंगे। तो यार आप क्या चाहिए हमें, लगभग सारी चीज़ें तो मिल रही हैं, जहाँ तक कि गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर हमें 150cc की अदर बाइक्स हैं उनमें तक देखने को नहीं मिलता है, जो कि हमें इस बाइक में देखने को मिल रहा है। तो यार होंडा वालों, इसके लिए अप्रिशिएट करते हैं आपको हम कि बहुत अच्छा काम किया आपने। यहाँ पे आते हैं इसके राइट हैंडल बार पे, तो देखिए आपको एक स्विच मिलता है जो कि इंजन किल स्विच के साथ साथ पावर स्टार्ट स्विच का भी काम करेगा, मतलब आप अपने इंजन को ऑफ भी कर पाएंगे और ऑन भी कर पाएंगे, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। इसके बाद आते हैं इसके फ्यूल टैंक पे, तो यहाँ पे आपको 11 यानी कि 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, तो 11 लीटर तक आप पेट्रोल भरवा पाएंगे अपने फ्यूल टैंक में। और फ्यूल टैंक के साथ ही इसमें फ्यूल टैंक काउल भी आपको मिलता है जो कि थोड़ा सा लुक को डिफरेंट करता है इस पूरे ही बाइक को। सीटिंग कम्फर्ट इसका मुझे अच्छा लगा, नो डाउट, क्योंकि अगर आप इससे डेली कम्यूटर करना चाहें तो बल्ले बल्ले, अगर आप लॉन्ग राइड करना चाहें तो भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर देखिए, कार्बोरेटर नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे FI सिस्टम मिलेगा, इंस्टॉल कर दिया गया है FI, मतलब फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। और इसके अकॉर्डिंग होता क्या है कि सीधी सी बात में कि जो आपकी पेट्रोल की सप्लाई होती है इंजन में वो इलेक्ट्रॉनिक रेटिंग के अकॉर्डिंग होती है, मतलब जितने आपके इंजन को ज़रूरत पड़ेगी उतना ही फ्यूल उसे प्रोवाइड किया जाएगा, तो इससे माइलेज जो है पहले से बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिए, जो सारी कार्ड है वो आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है, यहाँ पे फाइबर का इस्तेमाल किया गया है तो राइड के वक्त अगर साड़ी वगैरह जो फंसने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। यहाँ पे ग्रैब रेल मुझे बहुत मज़ा आया इसका, क्योंकि यहाँ पे आपको रबर की कवरिंग करी गई है उसके ऊपर, तो जो पकड़ने में फील आता है वो काफ़ी बढ़िया आता है। जो पीछे का जो आपको टेल सेक्शन मिलता है वो LED मिलता है। और ये देखिए काफ़ी खास चीज़, जो आपका जो नंबर प्लेट आप लगाएंगे ये आपके रियर फेंडर में ना इंक्लूड रहेगा, तो गौर करिएगा कि अगर आपका नंबर प्लेट टूटा तो आपका रियर फेंडर भी टूट जाएगा, तो आपको पूरा पीछे वाला फेंडर चेंज करवाना पड़ेगा।
यहाँ पे देखिए जो पीछे आपको टायर मिलता है ये थोड़ा सा मुझे ड्रॉबैक लगता है, क्योंकि पीछे का टायर भी आपको 80/100 का मिलता है। तो यार होंडा वालों इतना बढ़िया बाइक दिए हो यार, तो थोड़ा पीछे के टायर की साइज बढ़ा दिए होते तो थोड़ा और मज़ा आ गया होता, लेकिन थोड़ा सा पतला लगता है मेरे हिसाब से। आप क्या सोचते हैं कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। पीछे का जो आपको सस्पेंशन मिलता है ये हाइड्रोलिक टाइप ट्विन सस्पेंशन मिलता है, जिसे हम 5 स्टेप तक एडजस्ट करवा सकते हैं। ये है ESP यानी कि इन्हेंस स्मार्ट पावर। और इन्हेंस स्मार्ट पावर में आपको मिलता क्या है कि आपका जो माइलेज है वो लगभग 15-16% ज़्यादा आपको माइलेज देखने को मिलता है, ऐसा कंपनी का दावा है। और ये देखिए ये है कैटेलिटिक कन्वर्टर जो कि आपको यहाँ पे मिल रहा है, और ये लगभग BS6 की जितनी भी बाइक्स हैं सभी में आपको देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ को गौर कर लीजिएगा कि ये बाइक BS6 ही है, क्योंकि SP125 BS6 के साथ ही लॉन्च करी गई है, BS4 में इसका नामो निशान नहीं है। तो अगर मैंने स्टार्टिंग में नहीं बोला है कि BS6 बाइक है कि BS4 है, तो आप समझ लीजिएगा कि ये BS4 थी ही नहीं कभी, क्योंकि जो BS4 थी वो साइन SP125 थी, ना कि SP125। ठीक है दोस्तों, इंजन के बारे में आपको बता दूं, 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन आपको इसमें देखने को मिलेगा। 124cc का इंजन इसमें लगा हुआ है। जो मैक्स पावर मिल रही है वो है 10.72 PS की, आपको 7500 RPM पर। जो मैक्स टॉर्क मिलेगा वो 10.9 Nm का मिलेगा 6000 RPM पे। तो पावर और टॉर्क की बात हो गई, और मैंने ब्रेक्स आपको बता दिए कि फ्रंट में आपको 240mm का डिस्क मिलता है, और पीछे आपको 130mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। अगर आप डिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप ड्रम मॉडल ले लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको CBS मिलता है, यानी कि कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिलता है। तो अगर आप पिछला ब्रेक इस्तेमाल करते हैं तो अगला ब्रेक साथ में अप्लाई होगा, तो ब्रेकिंग इसको को लेके आपको शिकायत नहीं होगी, ब्रेकिंग काफी अच्छी मिलने वाली है। तो ये बातें होंगे। डायमेंशन में फटाफट आपको बता दूं, इसकी जो लेंथ है वो 2020 mm की है, हाइट है इसकी 1103 mm की, व्हील बेस है 1285 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm का है, और वेट है इसका 118 किलोग्राम, मतलब 118 kg की ये बाइक है। और एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि जिन हाइट को लेकर जिनको लोगों को डाउट है कि हाइट में बाइक परफेक्ट होगी कि नहीं होगी, तो आप एक काम किए कि लेने से पहले ना आप टेस्ट राइड जरूर लिया करिए। कोई भी बाइक आपको लेनी है टेस्ट राइड लीजिए, और कम से कम 2-3 किलोमीटर का टेस्ट राइड लीजिए, अच्छे से चेक करिए सारी चीज, क्योंकि हमें हर महीने बाइक नहीं चेंज करनी होती, एक ही बार लेनी होती है। तो अच्छे से टेस्ट राइड लीजिए, और इसके बाद कमेंट में अपना एक्सपीरियंस हमसे जरूर शेयर करिएगा। हम आपको बताते हैं अब इसका प्राइस। देखिए अगर आप लेते हैं इसका ड्रम मॉडल लेते हैं, तो इसका जो एक्सोरूम प्राइस है वो 72,874 रुपीज, मतलब 72,874 रुपये पड़ेगा, और कंप्लीट बाइक आपको 85,000 से 90,000 में मिलेगी। ठीक है, और मैंने ये बजट बताया, आप अपना बजट सेट कर लीजिएगा कि 85,000 से 90,000 में आपको ड्रम मॉडल मिल जाएगा। अगर आप इसका डिस्क मॉडल चाहिए तो आपको लगभग 90,000 से 95,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। प्राइस थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन फीचर भी आपको जो है अब अपडेट कर दिए गए हैं, तो इस चीज़ को गौर कर लीजिएगा कि 90,000 से 95,000 हो सकता है कि आपके नियरेस्ट एजेंसी में 95,000 से ऊपर भी जा सकती है इसके प्राइस, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है ऑन रोड प्राइस। लेकिन जो एक्सोरूम प्राइस है वो 77,704 रुपीज लगभग इतना है। ये है मैं आपको जो एक्सोरूम प्राइस बता रहा हूँ, ये प्रयागराज UP इलाहाबाद का बता रहा हूँ। तो आप अपना एक बजट सेट कर लीजिएगा कि इसी बजट में आपकी बाइक आ जाएगी। तो कैसी लगी बाइक और कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और जब भी बाइक चलाइए सेफली चलाइए, मुस्कुराते रहिए, हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ। जाते जाते एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो इसका माइलेज मिलेगा आपको वो 50+ का मिलेगा, ये चीज़ कन्फर्म है, इस चीज़ को गौर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ। तब तक मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।